क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, नाम से पता लग रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स का मतलब है कि हम अलग अलग किस्म के मैग्नेटिक मटेरियल को क्लासिफाई करेंगे और स्टडी करेंगे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जैसे पैरा मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक, फेरो मैग्नेटिक। इनमें क्या खास बातें हैं, फेरो मैग्नेटिक पैरा से डिफरेंट क्यों हैं, पैरा और फेरो डाया से डिफरेंट क्यों हैं, तो ये सब कैसे बिहेव करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, इसका बिहेवियर स्टडी किया जाएगा इस चैप्टर में। प्रॉपर्टीज़ हैं और थ्योरी और कुछ नहीं है, लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट है एक डेफिनेशन के साथ और डेफिनेशन है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो आपको कोई भी डेफिनेशन, ये थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, ये बिल्कुल वैसी चलेगा जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक परमिटिविटी थी। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जो काम इलेक्ट्रोस्टैटिक में करती थी, वही काम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मैग्नेटिक में करती है। और हमने की हुई है म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या होता है सबको मालूम है, काम की चीज़ क्या है ये सुन लो। फॉर्मूला रजिस्टर ओपन करो, पहला फॉर्मूला लिखो, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम एंड परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ये पहला फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला लिखें, रिलेटिव परमिएबिलिटी इज मीडियम का भी अपॉन वैक्यूम का भी, बस और कुछ नहीं पढ़ना आपने, ये डेफिनेशन नोट कर लें। ये पूरा पैराग्राफ थ्योरी का सिर्फ दो बातें बता रहा है कि जो रिलेटिव टर्म होती है, आपको याद ही होगा रिलेटिव, वो हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी किया था, मीडियम बाय वैक्यूम, ऐसे उसके अंदर भी मीडियम बाय वैक्यूम। काम कहाँ आती है बता देता हूँ, वो आपको एक न्यूमेरिकल देगा और ये ऑब्जेक्टिव मेंस और नीट में आराम से देखने को दिखेगा और एनसीईआरटी में भी आ सकता है। वो आपको कहेगा कि एक सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड का बी का फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई होता है। वो कहेगा ये सोलेनॉइड मैंने एक मीडियम में डाल दिया, वैक्यूम नहीं है, तो तुम्हारा फॉर्मूला ही चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा म्यू मीडियम इंटू एन इंटू आई, म्यू नॉट की जगह म्यू मीडियम, और तुम म्यू मीडियम को यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके पुट करोगे म्यू नॉट म्यू आर एन इंटू आई। तो आप बहुत न्यूमेरिकल में देखेंगे म्यू नॉट म्यू आर इकट्ठे यूज होते हुए जब मीडियम वैक्यूम नहीं होता, और जब मीडियम वैक्यूम होता है तो म्यू आर की वैल्यू वन हो जाती है, आंसर वही आ जाता है म्यू नॉट एन आई। तो बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला सेम काम है, कोई डाउट इसमें? तो ये दो डेफिनेशन हमने लिख ली और कुछ थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई डेफिनेशन पूछने वाला तो है नहीं, पर रेशियो पता होने चाहिए क्या रेशियो है। ठीक है, यहां तक। दूसरा, मैग्नेटिक इंडक्शन या फ्लक्स डेंसिटी एक ही बात है, इसको भी बिल्कुल नहीं पढ़ना। मैग्नेटिक इंडक्शन हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं बी, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को भी बी बोला जाता है बस। तो अगर किसी न्यूमेरिकल में फ्लक्स डेंसिटी आ जाए मैग्नेटिक तो भी बी है, अगर किसी न्यूमेरिकल में मैग्नेटिक इंडक्शन आ जाए तो भी वो बी की बात कर रहे हैं, और पिछले डेढ़ महीने से हम बी ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसको तो क्या ही बताऊं, वो तो पता ही है मैग्नेटिक फील्ड है, टेस्ला में कैसे इसको मेजर करते हैं, और ये आपको पता ही है चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ये पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट है मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल के अंदर आप इसका यूज देखेंगे, और लेकिन ये ना आपको कंफ्यूज कर देगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज। अगर आपने एक्स्ट्रा बुक पढ़ी, जरूर पढ़ेंगे, आप उलझ जाएंगे 101% है। कैसे? मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी नाम देख लिया, और दूसरा नाम है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और किताब जो है वो बिल्कुल इतनी बड़ी एस्से लिखती है, पूरी एक पेज का पूरा एस्से लिखा हुआ है उसने इसके ऊपर, कि व्हेन वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी वी फाउंड दैट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इंक्रीजेस, और ऑन फर्दर इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी वी नोट दैट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बिकम्स कॉन्स्टेंट। आप ना पागल हो जाओगे, क्या इंटेंसिटी इंटेंसिटी मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटाइजिंग करी जा रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, मैं खुद हो गया, तुम्हें क्या बताऊँ, मतलब खुद इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के आया हूँ, मैं खुद ही उलझ गया, क्योंकि नाम देखो ना, तुम चार बार बोल के देख लो अपने मुंह से, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, तुम्हें चक्कर आ जाएंगे, तुम्हें लगा एक जैसी चीज़ें हैं दोनों, ये नॉर्मल है, तुम नॉर्मल हो। तो इसको याद तो करना ही पड़ेगा, पर समझते हुए मैं कैसे बोलूँगा, इतना लंबा बोलना बड़ा मुश्किल है, तो मैं इसको सिंबल से बोलूँगा।
जो मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी है उसका सिंबल एच है, लिख लो बड़ा बड़ा एच है। तो मैं इस पूरे चैप्टर में इसको एच बोलूँगा। और तुम एक ही बार नाम घर पे याद कर लेना कि एच का मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी है या मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, पर मेरे लिए वो एच है, ठीक हो गया। और दूसरा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैं इसको आई बोलूँगा, लिखा हुआ है आई, तो एक एच है और एक आई है, ठीक है। यहाँ तक तो ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं, यहाँ तक एक टर्म एच है एक टर्म आई है। एच और आई, मैं सबसे पहले एच को पढ़ लेते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स होती क्या है। देखो एच का मतलब है एक, अगर आप ये पढ़ोगे ना डेफिनेशन, डिग्री टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ मटीरियल इज कॉल्ड मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैं कह रहा हूँ सारी जिंदगी एच का मतलब समझ में नहीं आएगा हुआ क्या था। ये मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैंने भी थ्योरी पढ़ी, मेरे को समझ में आया क्या बोले जा रहे हैं। ठीक है, होती होगी डिग्री जब तक उसको मैग्नेटाइज करना होता होगा, थ्योरी से काम चलेगा नहीं क्योंकि न्यूमेरिकल में यूज़ होना है, तो न्यूमेरिकली समझते हैं। इमेजिन करो मैंने आपसे एक एक्सपेरिमेंट कहा, मैंने कहा एक काम करो इस रूम का ना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दो, इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करो। तुम गए मार्केट में, कोई यू शेप मैग्नेट मिलती होगी नॉर्थ एंड साउथ वाले, तुमने ला के कमरे में रख दी, कहता देखो जी मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ओ मैंने कहा कितना हुआ, आपने कहा 10 टेस्ला हो गया। ओ मैंने कहा 10 नहीं चाहिए, मेरे को तो 25 टेस्ला चाहिए था। तुम एक और मार्केट भाग के गए, तुमने एक और बड़ा सा मैग्नेट रख दिया, कहता लोग 25 टेस्ला हो गया। नहीं मैंने कहा मेरे को 35 चाहिए था यार, फिर तुम 35 करोगे तो मैं 50 बोल दूंगा, फिर मैं कहूँगा नहीं सॉरी 50 नहीं 25 चाहिए, फिर मैंने उठा, तो सारा दिन मैग्नेट उठाते रहोगे, ये तो बहुत मुश्किल काम है। तो किसी ने सजेशन दिया ऐसे मत करो, इलेक्ट्रो मैग्नेट क्यों नहीं यूज़ करते, बिजली की बनी मैग्नेट, तुम करंट ज़्यादा कम करते रहो भी ज़्यादा कम हो जाएगा। मैं हाँ ये सही है, तो एक काम किया मैंने, मैंने एक इलेक्ट्रो मैग्नेट ले ली जिसको आप सॉलिनॉइड भी बोलते हैं, सही है। इसके अंदर अगर मैं करंट इंक्रीज करूँ तो इसके एक्सिस पे बी एकदम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, कोई डाउट इसमें। लेकिन मैंने उस स्टूडेंट को कहा यार एक काम कर, करंट तो मेरे पास 2 एम्पीयर ही है, इसके ऊपर मेरा करंट है ही नहीं, मेरी बैटरी नहीं है, मैं इंक्रीज कैसे करूं। मैं तो कोई टेंशन ना लो, क्या करे बी इंक्रीज करने के लिए, करंट लिमिटेशन है, करंट इंक्रीज नहीं कर सकता मैं, तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। तुम नंबर ऑफ टर्न बढ़ाओगे करंट मत बढ़ाओ, तभी भी बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा बढ़िया तरीका हो गया है। तो अगर मैं आज के बाद तुम्हें ये बोलता हूँ कि तुम बी बढ़ाओ, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओ, तो तुम दो तरीकों से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हो, या तो नंबर ऑफ टर्न्स या फिर करंट, दोनों अगर इंक्रीज कर दोगे फिर तो और मज़ा आ जाएगा, फिर तो बी बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। तो यानी कि बी बढ़ाने का तरीका है एन या आई में से किसी भी टर्म को या दोनों टर्म को इंक्रीज कर दो तो बी बढ़ जाएगा। तो इस इन दोनों के प्रोडक्ट को नाम दिया गया एच, तो एच का फॉर्मूला एन इंटू आई। तो आज के बाद जब मैं ये बोलूँगा कि एक जगह का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है, तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि या तुम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा लो, या तुम करंट बढ़ा लो, या तुम दोनों बढ़ा लो तुम्हारा बी बढ़ जाएगा ना, तुम एच बढ़ा लो। अब तुम जो मर्जी करो, एच के अंदर एन बढ़ाओ या आई बढ़ाओ, तुम्हारी इच्छा। तो एच बढ़ा लो यानी कि बी बढ़ गया। क्लियर है यहाँ तक, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो एच का मतलब क्या है, एन इंटू आई। तो सॉलिनॉइड में बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, तो सॉलिनॉइड का फॉर्मूला बन गया बी इज म्यू नॉट इंटू एच। फॉर्मूला रजिस्टर में नोट कर लो, न्यूमेरिकल मेन नीट पे दिखेगा म्यू नॉट एच पे। तुम्हें म्यू नॉट एन आई की जगह वो मैग्नेटाइजिंग फोर्स दे देगा और फिर बी का फॉर्मूला पूछेगा, ऐसा आएगा न्यूमेरिकल। तो समझ में आ रहा है यहां तक। ये पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई में एन इंटू आई का मतलब एच है, ठीक है समझ में आ गया। तो आज के बाद अगर मैं ये बोलता हूँ कि यार तुम B बढ़ा लो, तो मैं ये नहीं बोलूँगा आज के बाद कहूँगा कि तुम H बढ़ा लो, एक ही बात है। तो H बढ़ाने का मतलब B बढ़ाना एक ही बात हो गया, समझ में आ रहा है। और इसके यूनिट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यूनिट्स क्या है, N का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ और I का मतलब करंट एम्पियर। तो इसके यूनिट्स क्या बनेंगे, एम्पियर पर मीटर।
क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ का मतलब मीटर और आई का मतलब एम्पियर, एम्पियर पर मीटर, तो लिख लो इसके यूनिट्स एम्पियर पर मीटर है। क्योंकि ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको पहचान में नहीं आएगा, तुम भूल जाओगे न्यूमेरिकल करते हुए कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स गिवन है, तुम उलझ जाओगे, तुम कहोगे पता नहीं क्या गिवन है, तुम्हें बचाएगा वो फॉर्मूला का एम्पियर बाई मीटर बचाएगा। अच्छा अच्छा ये तो एच है, कई बार नाम ना बहुत कन्फ्यूजिंग है, तुम्हें बी लगता जाएगा ये बी है, बी तो है नहीं क्योंकि टेस्ला तो लिखा नहीं होगा, तो इसकी जगह ये लिखा होगा। याद रखना यूनिट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसके, ठीक है? यहाँ तक कोई डाउट इसमें? अब कोई स्टूडेंट पूछा सर करोगे क्या बी बढ़ा के, ये तो बताओ चाहते क्या हो, करोगे क्या? मैंने कहा यार मेरे पास ना एक स्टूडेंट ने लोहे का पीस दिया हुआ है, वो बोलता है सर इसको मैग्नेट बना दो, तो फिर क्या करोगे? मैंने कहा कुछ भी नहीं, मैं उस लोहे का पीस लूंगा और उस लोहे के पीस को यहां पे रख दूंगा इसके बीच में, तो लोहे का पीस मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसके सारे एटम का डायपोल मोमेंट इस तरफ करवा दूंगा और उसको वापस कर दूंगा कि देख तेरा लोहा मैग्नेट मैंने बना के दे दिया। तो इन शॉर्ट मैं सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करना चाहता हूं, तो मैग्नेटाइज करने के लिए मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा? एच, क्योंकि एच बढ़ते ही बी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा एच बढ़ेगा, तो सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा मिलेगा, सब्सटेंस ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। कोई डाउट? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? उसने कहा ठीक समझ में आ गया। तो उसने फिर ये पूछा, चलो ठीक है बात समझ में आती है मुझे, फिर ये क्या चीज है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन? तो मैंने कहा देख इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये है कि जब मैं इसे करंट पास करके एच इंक्रीज कर रहा था तो मैंने इसके बीच में एक लोहे का पीस रख दिया था, कुछ ऐसे आयरन का पीस है, ताकि ये मैग्नेटाइज हो जाए। तो मैंने माइक्रोस्कोप से देखा कि देख इसके एटम पे फर्क पड़ा। कैसे फर्क पड़ा? इसके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि ये लोहे का पीस है, इसका हर एटम लाखों करोड़ों मैग्नेट्स के इक्वल है, क्योंकि सारे लाखों करोड़ों एटम है, सब मैग्नेट ही तो हैं, पर लेकिन लोहे का पीस क्यों है, वो मैग्नेट क्यों नहीं है? क्योंकि डायपोल मोमेंट उनका आपस में क्या कर जाता था, कैंसल, चेंज बना के बैठे होते थे, ऐसे ही था लास्ट टाइम किया था। पर जब तुमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो सारे एटम्स एक तरफ हो गए, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इस एरो का मतलब है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक तरफ हो गया, तो ये छोटा m वेक्टर m वेक्टर m वेक्टर, तो टोटल m वेक्टर आ गया टुवर्ड्स राइट। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? तो टोटल डायपोल मोमेंट राइट की तरफ आ गया, और जितना ज्यादा ये इनकी ओरिएंटेशन एक तरफ हो गई तो एक तरीके से सारे मैग्नेट एक तरफ हो गए और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बहुत बढ़ गया, और इसका टोटल डायपोल मोमेंट कितना है? कैपिटल m है। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? तो टोटल डायपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है इसमें? कैपिटल एम है। अब मैंने कहा यार मैं और ये तो मैग्नेटाइज हो गया, और ये मैक्सिमम मैग्नेटाइज हो गया क्योंकि इसके सारे के सारे एटम तो राइट की तरफ आ गए, तो मैंने कहा यार एक काम करता हूं मैं और एच बढ़ा देता हूं, शायद ये मैग्नेट और बड़ा मैग्नेट बन जाए। तो किसी ने कहा नहीं बनेगा, ऐसे थोड़ी ना कि तुम इसका सारा दिन बैठ के करंट ही बढ़ाते जाओगे और दुनिया भर का स्ट्रांग मैग्नेट है और चलती फिरती गाड़ियों को भी हर चीज को ट्रैक करना शुरू कर देगा, थोड़ी ना, इसकी कोई लिमिटेशन है। ये सारे के सारे जो एटम है एक तरफ लाइन हो चुके हैं और इसका मैक्सिमम कैपिटल एम आ चुका है, इससे ज्यादा स्ट्रांग मैग्नेट ये नहीं बन सकता। तुम चाहे कितना भी एच अप्लाई करते जाओ उसको कोई फर्क ना पड़ता, आई की वैल्यू ये जितना मैग्नेटाइज होना था वो हो गया, मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है। तो मैंने कहा ये कितना मैग्नेटाइज हुआ ये बताओ, तो कहता कैपिटल एम हो गया। नहीं, कैपिटल एम तो डायपोल मोमेंट है, ये सब्सटेंस कितना मैग्नेटाइज हुआ उसकी डिग्री बताओ। तो इसके लिए टर्म इंट्रोड्यूस की गई जिसका नाम क्या दिया गया, आई। आई का मतलब है कि सब्सटेंस के अंदर कितना मैक्सिमम डायपोल मोमेंट जनरेट हुआ, कितना डायपोल मोमेंट जनरेट हुआ डिवाइडेड बाय इस सब्सटेंस का वॉल्यूम। तो आई का मतलब है कैपिटल एम बाय वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर एटम पड़े हुए हैं, तो जितना बड़ा वॉल्यूम है लेकिन कैपिटल एम कम है तो कम मैग्नेटाइज हुआ, छोटे वॉल्यूम में एटम बहुत कैपिटल एम जनरेट कर गए तो ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ। तो जितना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा कैपिटल एम कम वॉल्यूम में उतना ही ज्यादा जनरेट हो जाएगा। अब मुझे पता है कि कैपिटल एम होता क्या है, कैपिटल एम होता है स्मॉल एम इंटू टू एल, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ मैग्नेट और
वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ ऑफ द मैग्नेट, लेंथ लेंथ क्या हो गई, कैंसल। तो एक और डेफिनेशन आ गई आई की, जो पोल स्ट्रेंथ जनरेट होगी मैग्नेट बनने के बाद, जितनी भी पोल स्ट्रेंथ जनरेट होगी पर यूनिट एरिया, एक ही बात है, पर तुम एक फॉर्मूला याद कर लो सफिशियंट है। और अगर मैं ये पूछूं कि कैपिटल एम में वॉल्यूम क्यों, ऐसा ही जो अजीब सा फॉर्मूला क्यों बना दिया, किसको क्या सपना आया कि यही फॉर्मूला बनेगा, तो देखो तो लॉजिक है क्योंकि वॉल्यूम के अंदर कैपिटल एम। और दूसरा लॉजिक ये है, जो कैपिटल एम है ना उसके यूनिट्स क्या होते हैं, करंट इंटू एरिया, याद है करंट कैरिंग वायर के लिए करंट इंटू एरिया डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, का मतलब क्या है, मीटर का क्यूब, ये कट गया, क्या आंसर आया, एम्पियर पर मीटर। इसके यूनिट सेम आ गए जो एच के थे, याद करो एच का भी यही था एम्पियर पर मीटर, इसका भी एम्पियर पर मीटर, और यूनिट्स अपने बराबर जरूरी भी थे, क्योंकि तुमने अगर 15 टेस्ला दिया और उसने 4 टेस्ला लिया, कंपैरिजन करना इजी है कि तुमने तो 15 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड दिया पर वो 4 टेस्ला ही मैग्नेटाइज हो पाया। पर हम टेस्ला में काम नहीं करते, हम एम्पियर पर मीटर में करते हैं, कि अगर एक सब्सटेंस को हमने एच दिया 100 एम्पियर पर मीटर, पर सब्सटेंस ने कितना लिया, 20 एम्पियर पर मीटर, तो वो 20 तक मैग्नेटाइज हुआ, बाकी 80 खराब चला गया। तो यानी कि आप 80 छोड़ो 800 भी दे दोगे तब भी सब्सटेंस और मैग्नेटाइज नहीं होगा, यूनिट सेम रखने जरूरी थे। तो आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है एक्सटेंट, किस हद तक एक स्पेसिमेन मैग्नेटाइज हुआ है। वो जितना ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ वो आई है, वो कम मैग्नेटाइज हुआ आई कम है, वो मैग्नेटाइज ही नहीं हुआ आई जीरो है। तुम कितना भी एच प्रोवाइड करते रहो आई जीरो है, सब्सटेंस मैग्नेटाइज होगा ही नहीं। तो एच जो टर्म है वो हमारी तरफ से है, हम एच को बढ़ा सकते हैं, आई लोहे की तरफ से है, सब्सटेंस वो लोहा कितना मैग्नेटाइज होगा। तो समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें?